दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे गर्मी के। कौन से? गर्मी के। जब हम लोग बाहर जाते तो हम लोग को क्या होता है? पसीना आता है। क्या आयुष, क्या होता है? पसीना आता है बाहर जाते तो। पसीना क्यों आता है? क्योंकि सूरज बहुत तेज है, सूरज का प्रकाश। तभी हम लोग को स्कूल को भी छुट्टी रहती है। होती है कि नहीं स्कूल को छुट्टी? अच्छा, गर्मी में हम लोग छुट्टी में हम लोग कहाँ पे रहते हैं? गर्मी में कहाँ पे रहते हैं? गाँव जाते हैं ना, गाँव में जाते हैं। गाँव में गर्मी में हम लोग कौन से कपड़े डालते हैं? गर्मी में हमें कौन से कपड़े डालने चाहिए? कौन से? कॉटन। कॉटन के कपड़े क्यों डालने चाहिए? क्योंकि गर्मी में हमें बहुत पसीना आता है ना, और सिल्क के डालेंगे तो हम लोग को और ज्यादा पसीना आएगा, घुटन सी महसूस होगी। कॉटन के कपड़े कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। और ढीले कपड़े डालने चाहिए। कैसे डालने चाहिए? ढीले कपड़े, जैसे हम लोग को ज्यादा गर्मी ना हो, पसीना ना आए, हाँ वो हिसाब से। अच्छा, गर्मी में हम लोग को क्या ज्यादा लेना चाहिए खाने में? पानी। क्या? पानी। पानी, पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठंडा पानी। ठंडा पानी नहीं, मटके का पानी। कौन सा? मटके का पानी। फ्रिज का पानी पीना चाहिए थे हमें? नहीं, तो मटके का पानी पीना चाहिए। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हाँ हमें मटके का पानी पीना चाहिए। और ठंडे में हम लोग क्या खाते हैं? ज्यादा लोग क्या खाते हैं ठंडी में? गर्मी में? गर्मी में आइसक्रीम। क्या खाते हैं? तो हमें आइसक्रीम खानी चाहिए क्या? नहीं, आइसक्रीम से क्या होता है? हमारा गला बैठ जाएगा, गला दर्द करने लगेगा। कभी कभार ठीक है आइसक्रीम, लेकिन बार बार आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ज्यादा हमें को क्या खाना चाहिए? जैसे बाजार में जो अभी फ्रूट आते हैं, कौन से फ्रूट आते हैं? पपाया, अंगूर, वाटरमेलन ना, ये सारे बहुत सारे, अनार, अनार भी आया है। तो ये बहुत सारे फ्रूट बाजार में है, तो हम लोग को वो फ्रूट खाने चाहिए। मैंगो। हाँ, मैंगो भी। हाँ, मतलब जिसमें ज्यादा पानी हो, जिसमें पानी पीने से क्या होगा? जब गर्मी होती है ना, तो हमारे बॉडी में का पानी पसीने के पसीना जब हम लोग को आता है तो निकल जाता है ना। तो हम लोग का अभी पसीने से पानी निकल गया बॉडी का, फिर हम लोग को क्या होता है? वीकनेस आ जाता है ना, ज्यादा एकदम पानी निकल गया तो फिर हम लोग ऐसे वीक हो जाते हैं। तो वो होना नहीं चाहिए। हमारे पसीना जो बाहर गया है पानी के द्वारा, वो हम लोग को पूरा बॉडी को मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? पानी हम लोग को पूरा बॉडी में वापस से मिलना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए बहुत सारा। क्या करना चाहिए? बहुत सारा पानी पीना चाहिए, और पानी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए ना, जैसे तरबूज है, अंगूर है, आम है, वाटरमेलन। समझ में आया गर्मी में? हाँ, चलो अच्छा लगा।